नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बिहार के दरभंगा से मुजफ्फरपुर पूर्णिया के रास्ते पटना जाने वाली बस के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हमारे देश में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, उसी घटना में से एक घटना हमारे बिहार में हुई है। दोस्तों ये घटना कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, दोस्तों क्या है पूरी घटना, बस मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम इस घटना की बात करें तो ये घटना दरभंगा से खुलकर पूर्णिया के रास्ते पटना जाने वाली बस के साथ हुई है। दरअसल ये बस दरभंगा से पटना तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी सामने से आ रही बालू लदा ट्रक एक बाईपास की ओर मुड़ने लगता है। बस की रफ्तार इतनी तेज होती है कि बस की टक्कर बालू लदा एक ट्रक से हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर बालू लदा ट्रक सड़क पर ही पलट जाती है। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मचने लगती है। क्षतिग्रस्त बस और पलटे हुए ट्रक की हालत खराब हो जाती है। इस बड़ी दुर्घटना में किसी भी यात्री की जान तो नहीं जाती है, लेकिन बस ड्राइवर की जान चली जाती है। तो दोस्तों इस बड़ी बस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों ये घटना दो दिन पहले का बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।